मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इतना खूबसूरत जो है ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो किस तरीके से हमने अपने नात के अंदर लिरिक्स में लगाया हुआ है। तो आज की वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड है कि मैं आपको बताऊंगी कि हम ये किस तरह से ग्लोइंग जो इफेक्ट आ रहा है किस तरह से हमारी लिरिक्स में नात की लिरिक्स में आएगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किस तरह से इफ़ेक्ट ला सकते हैं और इस तरह का टेक्स्ट जो प्यारा सा है ये किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखें कितना प्यारा ये फॉन्ट है और साथ ये ग्लोइंग टेक्स्ट जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये चैनल और ये वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके लिए लाते हैं ताकि आप भी इस तरह के देखें कितना खूबसूरत है और इसमें किस तरह से हम ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाह का इंट्रो हो, अल्लाह ताला के नाम का जिफ हो, हम इस तरह से बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ही आए। तब हम करते हैं स्टार्ट। हम उर्दू डिज़ाइन को ओपन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने अल्लाह ताला के 99 नाम्स का बताया था कि हम किस तरह से यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। तो हमने YouTube थंबनेल पे क्लिक किया, हमने यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर का रखना है क्योंकि इजीली रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है मुबारक हो, ठीक है जी। हमने यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हम टाइप करेंगे मुबारक हो, ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक किया। तो ये देखें जी, ये आगे हमने इसका कलर जो है ना वो वाइट ही रखना है, हमने वाइट कलर कर दिया और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ से हमने फॉन्ट पे क्लिक किया, यहाँ से जी इंस्टॉल फॉन्ट है ये वाला, जी हाँ ये वाला है, हमने इसको ले लिया। हम ये कहाँ से लेंगे, हमने ये फॉन्ट्स पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पे देखें आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था गोल्डा। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉन्ट है ना गोल्डा के नाम से, तो इसको आपने ना फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना। अब कहाँ से करेंगे, हमने इंस्टॉल पर जाना है, यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है और ये देखें जी यहाँ से हम उर्दू फॉन्ट लेते हैं और ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है ना ये वाला, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम जाते हैं बैक। अब हम अगर नेक्स्ट जो है वो नात का लिरिक्स लिखते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एड न्यू पे, इसको ही हम कर लेते हैं, हमने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ से हम इसको यहाँ रखते हैं और टाइप करते हैं मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। अब हमने ऐड टू डिज़ाइन पे कर दिया और हम अब मैंने इकट्ठा कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ इसका साइज़ कम करके कि हम क्या करेंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो हम एडिट इसके पहले हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसके हमने डुप्लीकेट कर ली, इसको हमने इधर रख दिया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा पे गए, एडिट किया और जो बाकी रेस्ट टेक्स्ट है ना यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐड टू डिज़ाइन कर लिया जी ये, और तशरीफ़ ले आए इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं लॉन्ग में, ठीक है ये हो गया। चलें हमारे पास हो गया मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं और इसको हमने फुल कर दिया। आपने याद रखना है कि आपने ग्रीन बैकग्राउंड रखना है, वाइट टेक्स्ट रखना है, ठीक है जी। हमने ये लिरिक्स जो थी नात की हमने ये वाइट कलर की ही चूज़ करनी है। अब हम काइन मास्टर में जाते हैं, यहाँ से हम बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, यहाँ से हमने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, यहाँ से हमें क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है, 16:9 सेलेक्ट करनी है और फिर क्रिएट कर देना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से ये ग्लोइंग और प्यारा सा जो इफेक्ट है ना जो हमारी नात में आएगा वो किस तरह से आएगा। हमने यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है और इसकी लेंथ को तकरीबन हमने 7 तक कर देना है क्योंकि हमारी नात इतनी ही थी, ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ से अपनी नात का जो टेक्स्ट है वो लेते हैं, नात जो ली है हमारी वो लेते हैं,
हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारी नात आ गई है। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो की आ रही है ऑप्शन, तो हम जी इस पर क्लिक करेंगे ना तो एक सेकंड के अंदर हमारी एक्स्ट्रा ऑडियो जो है वो लग हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अपने जो टेक्स्ट का है वो लेते हैं, मीडिया पे जाएंगे और अभी हमने जो डाउनलोड किया है ना हम इसको ले लेते हैं, सही हो गया। अब हम इसके करेंगे, हमने तीन इसकी डुप्लीकेट बनानी है, हमने यहाँ से एक डुप्लीकेट बना ली और इसकी हमने एक और डुप्लीकेट बना ली इस तरीके से। फर्स्ट वाली ये है हमारे पास और हमने इसको क्रॉप करना है और यहाँ से हम सिर्फ मुबारक हो रहने देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी कौन सी है, इसका हम साइज़ कम कर देते हैं और सुनते हैं कहाँ तक है। अब दूसरी वाली हमारे पास ये है, इसको हम क्रॉप करते हैं यहाँ तक, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक हो गया, इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं। और अब हमारे पास है तीसरी, इसको हम उठा के इधर ले आते हैं और इसको हम क्रॉप करते हैं और इस तरह से, पहले हम इसे क्रॉप कर लेते हैं ना फिर देखते हैं। ठीक है जी, अब हमारे बिल्कुल ये जो सी नात की लिरिक्स है तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा ना इधर कर देते हैं, इसको यहाँ तक और इसको उठा के हम यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास मुबारक हो, हम इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा कर देते हैं इतना। ठीक है, अब हमने इस पर क्रोमा की अप्लाई करनी है, यहाँ से हमने स्क्रॉल डाउन किया, क्रोमा की अप्लाई की, अनेबल कर दिया और इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे ना तो ये देखिए जी हमारे पास वाइट टेक्स्ट आ जाएगा और इसका हम साइज़ ना बड़ा कर देते हैं इतना। ठीक है, अब हम इस पर इन एनिमेशन लगाते हैं के या पॉप अप कर लेते हैं और यहाँ से हम इसका 0.4 तक करते हैं और आउट एनिमेशन जो है हमने इसमें लगा देनी है वाइप डाउन और ओवरऑल एनिमेशन हमने ड्रिफ्ट का कर देना है इस तरह से। इसको हम प्ले करके देखते हैं, इसी तरीके से हम दूसरे पे अप्लाई करते हैं, इसका हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं। पहले हमने इस पर क्रोमा की अप्लाई करनी है, हमने यहाँ से क्रोमा की ली ये और इस तरह से। ठीक है, दूसरे पे भी क्रोमा की अप्लाई कर लेते हैं, इसका हम साइज़ जो है वो बड़ा कर लेते हैं और क्रोमा की, उसके बाद हम बस इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन हमने अप्लाई करने हैं, साइज़ हम इनके बड़े कर देते हैं इस तरह से। इन एनिमेशन अब अप्लाई करते हैं वाइप डाउन 0.4, आउट एनिमेशन स्नैप इनवर्ट या स्नैप अप कर देते हैं 0.4 ही और ओवरऑल एनिमेशन ड्रिफ्टिंग और इसी तरह से हम इस पर आते हैं इन एनिमेशन कन्वर्ट स्केल डाउन 0.4 और आउट एनिमेशन स्नैप अप। ठीक है जी, प्ले करके देखते हैं इसको, हम इसकी आवाज़ को कम कर देते हैं और हम देखते हैं जी हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे पास। थोड़ी सी हम इसकी लेंथ को यहाँ से हम इसको बढ़ा देते हैं और इसको भी हम बढ़ा देते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं सेव, तो हमारे पास सेव की यहाँ पर ऑप्शन आ रही है। ठीक है, हमने इसको कर लिया सेव, ये जी सेव एज वीडियो गया हमारी गैलरी में आ जाएगा। ठीक, तो जी विद इन सेकेंड हमारे पास सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से एक न्यू ऐप डाउनलोड करते हैं अपने जनसन। अब हम यहाँ से नॉट वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो आप ना कि प्ले स्टोर से लाजमी डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो में जो लिरिक्स के अंदर अगर न्यू इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं ना, ग्लोइंग टेक्स्ट लिरिक्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये इसी से ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है।
तो अब आपने इसके स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना है ताकि आप जो है ना, चाहे वो बिस्मिल्लाह का इंट्रो बना रहे हैं, अल्लाह ताला का नाम का जिफ बना रहे हैं, अल्लाह ताला का नाम लिख रहे हैं, तो जस्ट इसी मेथड से आप कर पाएंगे। तो आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है, वीडियो पर क्लिक कर देना है। जिस तरह से मैं फॉलो कर रही हूँ ना, उसी तरीके से आपने करना है। ठीक है जी, हमने ये ब्लैक वाला जो भी लिया है इसको हमने ले लिया। अब हम यहाँ से जो वाइट कलर का है, ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से एसेट स्टोर है, हमने एसेट स्टोर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास ग्लो स्कैन आ रहा है, ये वाला जी, ठीक है, बस इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। यहाँ से हम इसका कलर जो है ना वो रेड कर देते हैं और इसको फुल कर देते हैं। आप सेटिंग बस देखें, अगर इसकी सेटिंग आपको समझ आ जाती है ना, तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद जी यहाँ से इसी पर थोड़ी देर रखेंगे और इसको हम बढ़ा देंगे इतना, स्कैटरिंग पर जाते हैं इतनी। उसके बाद रेडियस जो इसका हम बढ़ा देते हैं और इस तरह से, ठीक है। बस मज़ीद हमने कोई सेटिंग नहीं करनी। और देखें ये कितना खूबसूरत हमारे पास हो गया। आप देख लीजिए जिस तरह मैंने सेटिंग की है उसी तरीके से आपने फॉलो करना है। आप इस तमाम सेटिंग को नोट कर लें, आपने बस जस्ट उस पर क्लिक करके उसको ऊपर की तरफ करना है, तो ये आपका इसी तरीके से ग्लोइंग इफेक्ट आ जाएगा। और आप उसके बाद इसको हम काइन मास्टर में ओपन करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम सेव का ऑप्शन बता देती हूँ। यहाँ पर जी एरो का साइन आ रहा है, ये वाला, अब हमने यहाँ से एरो के साइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये देखें जी एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट, प्लीज़ डोंट क्लोज नॉट वीडियो। तो यहाँ पे देखें जी इसके ये चल रहा है टाइम लेफ्ट की ऑप्शन, ये देखें जी कि कितनी देर के अंदर जो है हमारा ये जो हमने जो बनाया है कितनी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा ग्लोइंग टेक्स्ट लिरिक्स के साथ। ठीक है, सेकेंड्स चल रहे हैं हमारे पास। चलें जी ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हमने ओके पे क्लिक कर दिया और अब हमारी जो ये लिरिक्स है ना, ये गैलरी में सेव हो जाएगी। अब हमें आपको और उसके बाद हम प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो जी ये देखें कितना खूबसूरत हमारे पास जो है वो लिरिक्स के अंदर ग्लोइंग लिरिक्स टेक्स्ट रेडी हो चुका है। ये हमारी एल्बम में आ चुका है, जो मोबाइल की गैलरी है उसमें आ चुका है। तो आप भी इतना प्यारा सा जो है वो लिरिक्स ग्लोइंग लिरिक्स टेक्स्ट बना सकते हैं। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपके पास ही पहुँचे। उस वक्त तक हम आपसे इजाज़त चाहती हैं। अल्लाह हाफिज़।